नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अब्दिस में। दोस्तों, जो न्यू वर्जन माइनेड आया है, इसमें आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर अपना रेफरल लिंक कैसे निकालेंगे और अपनी टीम कैसे देख सकते हैं और भी A to Z जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं अपनी ID लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कहाँ पर कौन सा फंक्शन मिलेगा और कैसे आप माइनेट को यूज करेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी ID को लॉगिन कर लिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनेट का लोगो दिख रहा है और इस बटन से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी इनकम होगी वो दिखेगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं होम और यहाँ पर देख रहे हैं परचेज, जो आपने परचेजिंग की होगी वहाँ पर दिखेगी। फाइंडर, फाइंडर यहाँ पर आप जिस चीज़ को खोजना चाहते हैं वो चीज़ मिलेगी, जो चीज़ आप लेना चाहते हैं यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और सेल, यहाँ पर एक्टिवेशन का, सेल पर क्लिक करने के बाद एक्टिवेशन का एक ऑप्शन आ रहा है और अभी यहाँ पर है आपकी प्रोफाइल। ये दोस्तों, अब मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जेनियालॉजी दी गई है। यहाँ पर ये जेनियालॉजी है, यहाँ पर आपका लेवल स्टेटस है, यहाँ पर एक्टिवेशन है, यहाँ से आप एक्टिवेशन कर सकते हैं किसी का भी, किसी मेंबर का। यहाँ से वेंडर एक्टिवेशन है और ये है क्वाइन ट्रांसफ़र, आप माइनेट से माइनेट में क्वाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपके जो सेविंग अकाउंट का भी पासवर्ड चेंज हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का पासवर्ड सेम है और वही मोबाइल नंबर लगा है जो आपका रजिस्टर्ड है सेविंग अकाउंट में। यहाँ पर आपका जेनियालॉजी शो करने लगेगी और इस पर आप क्लिक करते जाएंगे, पूरी आपकी टीम शो करेगी, जितना आपके नीचे मेंबर हैं, किस लेवल पर कितने मेंबर हैं, सारे लेवल आपका यहाँ पर शो करते चला जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अब है लेवल स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कितने मेंबर हैं वो सभी दिखेंगे, यानी आपके किस लेवल पर कितने मेंबर हैं वो सब दिखेंगे, आपके डायरेक्ट में कितने हैं और दूसरे लेवल पर, तीसरे लेवल पर, चौथे लेवल पर कितने मेंबर हैं वो सब यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक्टिवेशन, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कॉइन अवेलेबल है तो आप किसी भी मेंबर का KGIN नंबर डाल के यहाँ पर एक्टिवेशन कर सकते हैं, किसी भी मेंबर का जो माइनेट में रजिस्टर्ड है उसका यहाँ पर आप एक्टिवेशन कर सकते हैं, उसे 15 रुपये वर्थ की कॉइन लगेगी, 15 रुपये वर्थ की कॉइन लगेगी। बट दोस्तों, अगर आप किसी को, किसी से करवाते हैं तो आपको, चूंकि BCT में कॉइन को सेल बाई करने में 4.5%, लगभग 5% का खर्च होता है, आप कॉइन को सेल करेंगे फिर बाई करेंगे, दोनों में बेचने में 2.25% और ख़रीदने में 2.25% का खर्च होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अब हम यहाँ पर वेंडर एक्टिवेशन है, यहाँ पर जो यूजर एक्टिवेशन है, कस्टमर एक्टिवेशन, वह 15 रुपये से है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दे रहा है कि 50 वर्थ क्वाइन विल बी डिडक्टेड फ्राम योर अकाउंट,
इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो 50 रुपये की कॉइन कटेगी आपका। वेंडर एक्टिवेशन में वेंडर एक्टिवेशन का चार्ज है 50 रुपये। इस तरह से आप यहाँ पर भी के जी आई एन नंबर डालेंगे और उसका एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है कॉइन ट्रांसफ़र, आपके पास अवेलेबल कॉइन है तो आप कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसको ट्रांसफ़र करना है उसका के जी आई एन नंबर यहाँ पर डालना है और कितनी कॉइन ट्रांसफ़र करनी है यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है। क्वांटिटी डाल के ट्रांसफ़र नाउ पर क्लिक कर देंगे तो कॉइन जिस के जी आई नंबर है जिन जिसका के जी आई नंबर है उसके पास कॉइन चली जाएगी, उसके माइनेट में जाएगी, सेविंग अकाउंट में नहीं जाएगी या माइनेट में जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से अब यहाँ पर चेंज पासवर्ड है तो आप चेंज पासवर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से आपका जैसे ही सेल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो बिजनेस अकाउंट है एक्टिवेशन के लिए आ जाता है, योर बिजनेस अकाउंट इज़ एक्टिव। अभी CMD सर ने इसके बारे में नहीं बताया है कि यह क्या है, कैसे वर्क करेगा, जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो परचेज है नो परचेज शो, अभी यहाँ पर कोई परचेजिंग नहीं हुई है इसलिए वहाँ पर शो नहीं कर रहा है। फाइंडर, फाइंडर अभी कमिंग सून है, यह भी बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कैश वैलेट दिख रहा है, यहाँ पर कॉइन वैलेट में कुछ कॉइन है बची हुई, यहाँ पर ए रेफरल लिंक है दोस्तों आपका, इस तीर के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रेफरल लिंक शो करेगा और वह डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पर या आप टेलीग्राम पर जहाँ भी सेंड करना चाहें वहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर बैंक डिटेल, चूँकि अभी ये ओपन नहीं है, या लीगल डॉक्यूमेंट, ये सारे आपको KYC करनी होगी, या कीबो की जो KYC है वही यहाँ पर भी काम करेगी मेरे ख्याल से। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे बिजनेस प्रोफाइल, जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, बिजनेस डिटेल, यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर बैंक डिटेल। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सपोर्ट, सपोर्ट का यहाँ पर टिकट रेज कर सकते हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो आप टिकट रेज कीजिए आपका समाधान होगा। टर्म और कंडीशन है और पॉलिसी क्या है, और यहाँ से आप लॉग आउट करके दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं माइनेट में। अब दोस्तों अब मैं बता दूँ कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, चूँकि जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका तो एक्टिवेशन हो जाएगा, लेकिन बट अभी जो लोग माइनेट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए हैं वे लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो यहाँ पर रेफरल लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रेफरल लिंक निकलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर यहाँ पर आ जाएगा, कॉपी भी करने के लिए आ जाएगा या आप चाहेंगे तो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अब चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। अगर दोस्तों कीबो का मेंबर है तो उसे पहले आपको आईडी, कीबो की आईडी ओपन करनी होगी, फिर लिंक पर क्लिक करना होगा और उसके बाद पूरा फॉर्म फिलअप आएगा, केवल मोबाइल नंबर और फेस्टिवल आपको सिलेक्ट करना होगा, ये करके आप माइनेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर वह न्यू यूजर है तो उसे पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तब उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो लोग ओल्ड यूजर हैं यानी कीबो में जुड़े हुए हैं और OTT में जुड़े हुए हैं तो पहले उनको अपनी आईडी ओपन करनी होगी और फिर उसे मिनिमाइज करके लिंक पर क्लिक करना होगा, तब जाके उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर बिना आईडी ओपन किए हुए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, यानी आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, वो बताएगा कि पहले से यूज है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एक्टिवेशन करना है और माइनेट के फंक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे। जितना फंक्शन दिया है मैंने उसके सभी के बारे में आपको बता दिया।
और जैसे जैसे फंक्शन बढ़ते जाएंगे मैं आपको उसकी जानकारी देता जाऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय कीवो, जय माइनेट।